अक्टूबर 19, 2017, अचानक से हमारे सोलर सिस्टम में एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट एंटर करता है जिसकी ट्रेजेक्ट्री बहुत ही ज्यादा विचित्र होती है। वैज्ञानिक इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। पहले लगता है कि शायद ये कोई भटकता हुआ कॉमेट है, पर इसके और ज्यादा अजीब बर्ताव और शेप ने वैज्ञानिकों को परेशान कर दिया। कई वैज्ञानिकों को लगा कि शायद ये कोई एडवांस सिविलाइजेशन का एलियन शिप है जो अचानक से हमारे सोलर सिस्टम में आ गया है। मैं बात कर रहा हूँ साल 2017 में दूसरी दुनिया से आई एक एस्ट्रॉइड या कहें तो एलियन शिप ओमुआमुआ की, जो फिलहाल हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जा चुका है। पर जब तक ये हमारी बाउंड्री में था तो हर पृथ्वीवासी इससे हैरान रह गया था। इस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के दिखने से वैज्ञानिकों को लगा कि उन्होंने सबसे रहस्यमयी पहेली फर्मी पैराडॉक्स को सॉल्व कर लिया है। पर जितना आसान हम इसे लेकर के एलियन को देखने और खोजने की बात समझ रहे थे, आज भी एलियंस को हम 0.1% भी नहीं समझ सके हैं। अरबों गैलेक्सीज और उसमें मौजूद अरबों तारे और ग्रह होने के बाद भी ब्रह्मांड एकदम खाली सा लगता है। हम केवल अपने ही अचीवमेंट और अपनी ही सक्सेस देखते हैं, दूसरा दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता है। आखिर क्यों? क्या हम कभी एलियन से मिल सकेंगे? क्या ओमुआमुआ की तरह किसी दिन कोई स्पेसशिप हमारे सोलर सिस्टम में आ सकेगा? आइए इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए और एलियन और एडवांस सभ्यता के सबसे खतरनाक रहस्य को समझने के लिए ये वीडियो जरूर देखें। साल 1950 में जब महान वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने कहा कि इस अनंत ब्रह्मांड में अरबों मिल्की वे जैसी आकाश गंगाएं हैं और उन आकाश गंगाओं में करोड़ों ऐसे स्टार हैं जिनके प्लैनेट्स हैबिटेबल जोन में आते हैं और फिर भी उन पर लाइफ नहीं दिखाई देती है। अगर इन ग्रहों पर लाइफ होती तो आज तक उसने मानव जाति से कॉन्टेक्ट कर लिया होता या फिर मानव जाति को उसके कोई ना कोई सबूत मिलते। पर हम ब्रह्मांड में अकेले हैं, आखिर वे कहां हैं? Where are they? इस सवाल को आज तक कोई सॉल्व नहीं कर सका है और धीरे धीरे एक पैराडॉक्स में बदलकर आज फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। एलियंस को ढूंढना और उनके द्वारा हमें ढूंढा जाना बहुत मुश्किल है। स्पेस में हम इतने बढ़ चुके हैं कि 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट और कई सुपर अर्थ प्लैनेट खोजने के बाद भी हम खाली हाथ हैं। ऐसा क्यों है? आइए एक नए रीजन और रिसर्च के जरिए इसे वीडियो में आगे देखते हैं। ये रीजन ऐसे हैं कि आप जानेंगे तो पक्का होश खो देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक एडवांस सिविलाइजेशन की जिसके कंट्रोल में कई गैलेक्सीज हैं। ऐसे में मिल्की वे गैलेक्सी भी उस सिविलाइजेशन का एक हिस्सा है जिसे वे मेंटेन करती है। हर गैलेक्सी में एवरेज 500 अरब तारे और 10 खरब प्लैनेट्स मौजूद हैं। करोड़ों ब्लैक होल्स भी हैं जिससे वे सभ्यता एनर्जी लेती है। ऐसे में सिर्फ एक गैलेक्सी के 10 खरब ग्रह उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। अगर इन ग्रहों में से केवल 10% ग्रह जो कि ब्लैक होल के आसपास हैं वही मायने रखते हों तो एक खरब ग्रह ही वह सभ्यता अपनी एनर्जी की नीड के लिए इस्तेमाल कर सकती है। बाकी 9 खरब ग्रह उसके लिए ज्यादा काम के नहीं है। इन्हीं 9 खरब प्लैनेट्स में एक छोटा सा ग्रह हमारी पृथ्वी भी है जो इस सभ्यता के लिए एक रेत के कण के बराबर ही माना जाएगा। ऐसे में इस सिविलाइजेशन को हमसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हम समय का इंतजार करेंगे कि कब हमारा नंबर आएगा और एक दिन हम भी ब्लैक होल में डाल दिए जाएंगे। खैर, हमें उस समय का भी पता नहीं चलेगा। एडवांस सिविलाइजेशन के लिए पृथ्वी जैसे ग्रह मायने नहीं रखते हैं। हमारी सभ्यता इनके सामने कुछ नहीं है। इस तरह की सभ्यता का ध्यान हम अपनी ओर तभी खींच सकते हैं जब हम और ज्यादा एडवांस होकर के ब्रह्मांड में हलचल करने लगें। अगर हम टाइप 2 बनकर कई स्टार्स की एनर्जी यूज करने लगेंगे तभी जाकर के इस सभ्यता का ध्यान हमारी ओर आएगा और हो सकता है तब पहली बार एलियंस पृथ्वी पर आकर के हमसे कॉन्टेक्ट करें। वरना जब तक हम एडवांस नहीं होंगे किसी की भी नजर में नहीं आने वाले और ये ब्रह्मांड हमारे लिए एकदम खाली सा ही दिखाई देगा। इस सिनेरियो को आप ऐसे समझें कि आपके पास एक जंगल का पूरा राज है। वहां कई तरह के जानवर मौजूद हैं जिन्हें आप देखते हैं। जो विशालकाय जानवर हैं जिनमें बहुत ताकत है वह आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। दूसरे जानवर जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं उन पर भी आपकी नजर रहती है। पर इसी जंगल में कई इस तरह के जीव हैं जो आकार में बहुत बहुत छोटे हैं जिन्हें आप देख भी नहीं पाते हो। अगर इनमें से कोई जीव मर जाए या उसकी पूरी छोटी सी कॉलोनी खत्म हो जाए या फिर आपके पांव के नीचे आकर कुचल जाए तो आप शायद ही उस पर गौर करो। आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कोई जीव भी है जो इसी जंगल में रहता है। इन जीवों का पूरा जीवन आपके एक दिन के बराबर है।
इस सिनेरियो में आप इनके बारे में शायद ही कभी जान पाएं। ठीक इसी तरह एडवांस सिविलाइजेशन जो कि कई गैलेक्सीज को अगर कंट्रोल करती है तो कई अरबों खरबों स्टार्स और प्लैनेट्स उनके कंट्रोल में आ जाते हैं, जिस पर जीवन कब पनपा और कब खत्म हुआ उन्हें पता नहीं चलता, और उस ग्रह पर रह रही सभ्यता को भी इस एडवांस सभ्यता के बारे में कभी पता ही नहीं चल पाता है। यहाँ टाइम का कॉन्सेप्ट भी अलग है। जब तक इन ग्रहों पर सभ्यता पनपती है और खत्म हो जाती है, एडवांस सिविलाइजेशन के बस कुछ साल ही गुजरते हैं। इस वजह से कई वैज्ञानिक मानते हैं कि एक टाइम और टेक्नोलॉजिकल गैप के कारण एलियन ना तो हमें देख सकते हैं और ना ही हम उनकी प्रेजेंस को जान पाते हैं। कॉस्मिक स्केल पर जहां ब्रह्मांड को पैदा हुए 14 अरब साल हुए हैं, वहां पर ह्यूमन सिविलाइजेशन का समय केवल कुछ सेकंड के बराबर ही है। पर वैज्ञानिक मानते हैं कि भले ही हम एडवांस सिविलाइजेशन के लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं, फिर भी हम उसके सबूत या उसकी प्रेजेंस को खोज सकते हैं। साल 2022 में वैज्ञानिकों ने फर्मी पैराडॉक्स को सॉल्व करने के लिए नई थ्योरी दी। उनका मानना था कि एडवांस सिविलाइजेशन अपनी प्रेजेंस के कई साइन छोड़ देती हैं जिन्हें हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ये साइन पृथ्वी पर भी मौजूद हो सकते हैं और हमारे सोलर सिस्टम के किसी दूसरे प्लैनेट या फिर मून पर भी। हमारा सोलर सिस्टम 500 करोड़ साल पुराना है। इस वजह से अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन यूनिवर्स के बनने के बाद बनी भी होगी तो हो सकता है कि अब 14 अरब साल बीतने के बाद वह खत्म हो चुकी है, तो ऐसे में सिविलाइजेशन के कई अवशेष आज भी हो सकते हैं। उनके द्वारा छोड़े गए स्पेसक्राफ्ट आज भी ओबुआमुआ की तरह भटक रहे हों, जो किसी भी सोलर सिस्टम में जा सकते हैं, या फिर खुद हमारे सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स पर भी उनके सिग्नेचर मिल सकते हैं। नासा मानता है कि शनि ग्रह का चंद्रमा एनसेलेडस, जो कि पूरी तरह से बर्फ से घिरा हुआ है, एलियन लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। जरूरी नहीं है कि एलियंस यहां पर एडवांस फॉर्म में हों। सिंगल सेल जीव से ही आज पृथ्वी पर पूरी तरह जीवन है। हो सकता है कि इसी तरह का सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यहाँ पर हो, जो धीरे धीरे यहाँ पर एलियन लाइफ को और ज्यादा विकसित कर रहा हो। अगर इस पर रिसर्च की जाए तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है। हो सकता है कि हम इस पर जाकर के लाइफ की फॉर्मेशन को समझ पाए, जो आज तक का साइंस का सबसे बड़ा रहस्य है। इसके अलावा भी हम एलियन की प्रेजेंस को सिग्नल्स के द्वारा समझ सकते हैं। अगर कोई सभ्यता पास्ट में एग्जिस्ट करती होगी और वह पृथ्वी से कई लाइट ईयर दूर होगी, तो उसके द्वारा सिग्नल आज या फिर आने वाले समय में पृथ्वी तक आ सकते हैं। खुद पृथ्वी पर नासा और सेटी ने 25,000 लाइट ईयर दूर तक ह्यूमन सिविलाइजेशन के सिग्नल भेजे हैं और अपनी लोकेशन भी उनमें दी है। पल्सार स्टार की मदद से एलियन हमारी लोकेशन आसानी से जान सकते हैं। इसी तरह हम भी एलियन सिविलाइजेशन के सिग्नल्स को पढ़ सकते हैं। अरबों सालों में अगर किसी सिविलाइजेशन का कोई सबूत बच सकता है तो वो उसके सिग्नल्स ही हैं, क्योंकि बाकी सभी चीजें खत्म हो सकती हैं और लाइट स्पीड से चल रहे सिग्नल्स यूनिवर्स में अरबों साल बाद भी रिसीव होते हैं। तो मान लीजिए कोई टाइप 3 सिविलाइजेशन जो केवल एक गैलेक्सी पर ही राज करती हो, वह खत्म होने पर आज से 1 अरब साल पहले कोई सिग्नल सेंड करती है, तो हमें वह सिग्नल आज भी मिल सकता है। हम जब उसे डिकोड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जिस सभ्यता को हम देख रहे हैं वो 1 अरब साल पहले ही खत्म हो चुकी है और पूरी गैलेक्सी भी तबाह होकर अपनी शेप बदल चुकी है। तारे इधर उधर जा रहे हैं। इस सिग्नल की मदद से हम अपने टेलीस्कोप से उस गैलेक्सी को देखकर उस सभ्यता के विनाश को देख सकते हैं। हालांकि इससे हम बस उसकी प्रेजेंस को ही कंफर्म कर पाएंगे, ना तो हम उस सिग्नल का रिप्लाई दे सकेंगे और ना ही उस सभ्यता को टेक्नोलॉजिकल लेवल पर देख पाएंगे। पर वैज्ञानिकों की माने तो इस तरह का सिग्नल भी हमें मिल जाए वो भी इम्पॉसिबल बात लगती है। हमें अगर इस तरह के सिग्नल क्लियर फॉर्म में चाहिए तो बहुत विशाल रेडियो टेलीस्कोप स्पेस में बनाना होगा, ताकि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर या सैटेलाइट के इंटरफेरेंस से बचा जा सके। और ये काम हम तभी कर पाएंगे जब हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बनकर पूरी पृथ्वी के बराबर एनर्जी को यूज कर पाएंगे। उस समय रिसोर्स भी मानव सभ्यता के पास होंगे और एडवांस टेलीस्कोप भी, जो एलियन सिविलाइजेशन को या फिर उनके रिमेन्स को डिटेक्ट कर पाए। टाइप 1 सभ्यता बनने में हमें 600 से 1000 साल लगेंगे, तभी हमारी एलियन की खोज कुछ हद तक पूरी हो सकती है। एलियंस को खोजने के लिए एकदम परफेक्ट टाइम फ्रेम की जरूरत है। जैसे जैसे समय गुजर रहा है और यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड हो रहा है, तो हमारी रीच भी घटती जा रही है। मानव सभ्यता फिलहाल लोकल ग्रुप तक की एरिया को ही एक्सेस कर सकती है। लोकल ग्रुप पास की 54 गैलेक्सीज का ग्रुप है, जो कि ग्रेविटेशनली बाउंड हैं। इस ग्रुप के आगे की गैलेक्सीज हमसे लगातार दूर जा रही हैं।
अगर हम टाइप 3 सिविलाइजेशन भी बन गए तो भी इन गैलेक्सीज पर नहीं जा पाएंगे। आने वाले भविष्य में मानव सभ्यता केवल लोकल ग्रुप तक ही रीच कर सकेगी। इसके आगे की गैलेक्सीज को हम फिर अनंत काल के लिए भूल जाएंगे। ये हमसे इतनी दूर चली जाएंगी कि एडवांस मानव सभ्यता भी इन पर करोड़ों सालों में नहीं पहुंच सकेगी। हालांकि अगर हमारे लोकल ग्रुप में कोई एलियन सिविलाइजेशन हुई तो वह जरूर मानव सभ्यता को खोज सकेगी, और अगर नहीं हुई तो फिर अनंत काल तक मानव सभ्यता इस ब्रह्मांड में अकेले ही भटकती रहेगी और फर्मी पैराडॉक्स कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा। ब्रह्मांड का एक्सपेंशन जो कि लगातार एक्सेलरेट हो रहा है, एलियन सिविलाइजेशन और ह्यूमन सिविलाइजेशन के बीच सबसे बड़ी रुकावट है। लाइट स्पीड भी इस एक्सपेंशन में सबसे स्लो स्पीड बन जाती है। डार्क एनर्जी के कारण एक समय ऐसा आएगा जब हमारा यूनिवर्स इतना ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगा कि किसी भी तरह की सिविलाइजेशन नहीं बचेगी। एटॉमिक डिस्टेंस गैलेक्टिक डिस्टेंस में बदल जाएंगी। हर एक स्टार और प्लैनेट एक दूसरे से इतना दूर चला जाएगा कि फिर वह अपने आप को ही पूरे ब्रह्मांड में अकेला पाएगा। ये सोचने में ही एक्साइटेड और डरावना दोनों ही लगता है। एस्ट्रोनॉमी साइंस में फर्मी पैराडॉक्स अपने आप में बहुत ही विचित्र है। करोड़ों अरब तारे और ग्रह होते हुए भी हम एलियन से आज तक नहीं मिल सके हैं, ये सोचने में ही होश उड़ जाता है। पर स्पेस में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जिन एलियन को हम आज तक नहीं खोज सके हैं, भविष्य में जब हम एडवांस सभ्यता बनेंगे तो शायद उस समय कई एलियन प्लैनेट्स और सिविलाइजेशन को खोज पाएंगे और एक गैलेक्टिक दुनिया बना सकेंगे। सोचिए, पूरी गैलेक्सी पर मानव सभ्यता का ही एक्सेस होगा। सोचने में ही कितना अमेजिंग लगता है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये फर्मी पैराडॉक्स पर तीसरा वीडियो था जहां हमने एक नए नजरिए से एलियन सिविलाइजेशन के ना दिखाई देने की बात की है। यह हमने एडवांस सभ्यता के उस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया है जिसके सामने पृथ्वी रेत के कण के बराबर है और उस सभ्यता ने शायद आज तक पृथ्वी को देखा भी नहीं है। दूसरी ओर हमने ये भी देखा कि हम डायरेक्ट एलियंस को तो नहीं पर उनके अवशेष यानी रिमेन्स को डिटेक्ट करके उनकी प्रेजेंस को जान सकते हैं। इसके साथ साथ हमने यूनिवर्स के एक्सपेंशन के बारे में भी जाना जो लास्ट में हमारी उम्मीदों को पूरी तरह से कम कर देता है। एक्सपेंशन हमारी रीच और लिमिट को हमेशा के लिए कम करके मानव सभ्यता को एलियन सिविलाइजेशन से दूर रख सकता है, जो सच में बहुत डरावना है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हमसे सवाल पूछिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।